जैसे हमारे यौन करनानी जब से आए जब से प्रधानी आयल परधानी ऐसा गीत गाई थी कि गांव में बढ़ल परेशानी जब से आयल परधानी जैसे मारायोन करनानी जब से आयल परधानी कौन किसको मिर्च लग सकती है? इसका मतलब मिर्च उसी को लग सकती है जो खाया होगा। कहां बेची खाया अपन ईमान जी घटिया परधान जी ना घटिया परधान जी लुटेरा परधान। मोबाइल नंबर जो जिससे फोन किए थे धमकी दिए थे वो फोन नंबर उनका सोशल मीडिया पे मैं डाल दी थी और लोग खूब फोन डांट करने रहे लगे होंगे उनके उनको पास, फोन वो करके। परेशान हो गए। नाली में खाया खड़ंजा में खाया मनरेगा के सब पैसा लुटाया खाई गया सब चाले के धान जी घटिया परधान जी ना। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फ्रेम में आपको दो भाभी नजर आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर इसलिए चर्चा में आई क्योंकि इन्होंने अपने हक का सवाल उठा दिया। हम सभी पत्रकार जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं उनका कभी फेसबुक बंद किया जाता है, कभी यूट्यूब से चैनल गायब कर दिया जाता है, और जब ये सब ना कर पाया जाए तो आवाज दबाने के लिए कई बार FIR तो कई बार देशद्रोह का कानून ला दिया जाता है। और हम पत्रकार जो है वो अपनी आवाज तब भी उठाते रहते हैं जब तक चैनल रहता है तब तक। लेकिन एकजुटता नजर आई जब भाभी पर सवाल खड़ा हुआ, जब वंदना दीदी और अर्चना दीदी पर जब सवाल खड़ा हुआ, इन्होंने जब सवाल किया प्रधान पर, तब FIR की जब बात आई तो तमाम लोग इनके साथ खड़े हो गए। तो उस एकता को देखकर इस बात की खुशी थी कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो कांटे आपको जरूर चुभेंगे, लेकिन आप सफल भी होंगे। आप में आपके लिए एक यूनिटी भी नजर आएगी, जैसे तमाम महिलाएं आपके साथ खड़ी हुई। भाभी, उस एकता को आप कैसे देखती हैं? कैसा लगा आपको जब आपके लिए तमाम महिलाएं कह रही थी कि जेल में डालोगे, हम सभी को ले चलो, देखते हैं तुम्हारे जेल में कितनी जगह है, हम सभी महिलाएं जेल में जाना चाहती हैं, उसको आप कैसे देख रही थी? बहुत अच्छा लगा था और मुझे भी गर्व हुआ कि अपने जो मैं इतना मेहनत करती हूँ, जितनी भी सिस्टर आती हैं और कोई भी, तो आज हमारा सफल हो गया। अगर हमारे लोग हमारे साथ लोग खड़े हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और इतने कम समय में इतना पहचानते हैं लोग, इतना बड़ा मान बहुत सम्मान बड़ी देते बात है। हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। और आप सबका प्यार दुलार मिल रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, अच्छा एक बात बहुत बताइए, खुशी जो का पल है। FIR हुई थी वो जौनपुर के प्रधान ने कराई थी या कोई और प्रधान थे कहीं और किसी और जिले कस्बे के? मैम ये तो पता नहीं चला कि ये कहाँ के प्रधान थे, पर जौनपुर यही के नहीं कहीं के थे, जौनपुर हों। नहीं, यही कहीं के के थे। होंगे, लेकिन वो अपना मोबाइल नंबर बंद कर दिए। मैं उनका मोबाइल नंबर जो जिससे फोन किए थे धमकी दिए थे वो फोन नंबर उनका सोशल मीडिया पे मैं डाल दी थी और लोग खूब फोन डांट करने रहे लगे होंगे उनके उनको पास, फोन वो करके। परेशान हो गए। अच्छा, आपको फोन करके क्या धमकी दिए थे कि गाना गाओगी तो जेल हमको भिजवा देंगे? जी बिल्कुल, हमारे हस्बैंड फोन उठाए थे और उनसे बोला गया कि आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपके नाम FIR होगा, आप गीत गाए हैं। ये बोले कि मैं तो गीत भले ही गाया हूँ लेकिन लिखा हुआ दूसरे का है, राइटर कोई दूसरा है, चैनल दूसरे पे पड़ा है। हाँ मैं गाया हूँ, और तो पहले लेखक को पकड़िए, म्यूजिक डायरेक्टर को पकड़िए जिसके चैनल पे पड़ा है, उनका नंबर पड़ा है और जो गाया है उनका भी नाम पड़ा है, लेकिन फिर भी हमको सब परेशान कर रहे थे। तो ये आपका गाना नहीं था? जी नहीं, मेरा गाना नहीं था, हमसे गवाया गया था ये गीत। अच्छा, अगर वो गीत आप दर्शकों तक पहुंचा दे, वो गीत ऐसा क्या था कि प्रधान लोगों को मिर्ची लगने लगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहां बेची खाया अपन ईमान जी घटिया परधान जी ना कहां बेची खाया अपन ईमान जी घटिया परधान जी ना घटिया परधान जी लुटेरा परधान जी घटिया परधान जी लुटेरा परधान जी कहे गौआ के गिराया तू मान जी घटिया परधान जी ना कहे गौआ के गिराया तू मान जी घटिया परधान जी ना पहले तो कहत रहा है ईमानदार हो जीते के बाद कहे भाया लाचार
विचार हो, पहले तो कहत रहा है ईमानदार हो, जीते के बाद कहे भया लाचार हो, कहे भया सबसे बड़ा बेईमान जी घटिया प्रधान जी ना, कहे भया सबसे बड़ा बेईमान जी घटिया प्रधान जी ना, तब तो नाली में खाया खड़ंजा में खाया, मनरेगा के सब पैसा लुटाया, मनरेगा के सब पैसा लुटाया, खाई गया सब चालय के धान जी घटिया प्रधान जी ना, खाई गया सब चालय के धान जी घटिया प्रधान जी ना। तो इसमें तो आप यही किसी गीत का था। नाम नहीं ली है, इसमें तो आप किसी का नहीं नाम ही नहीं नहीं ली है, नहीं मैं किसी का नाम नहीं लेती गेट बंद कर। तो फिर कैसे FIR हुआ? मतलब कौन किसको मिर्च लग सकती है? इसका मतलब मिर्च उसी को लग सकती है जो खाया होगा, उसी को लगा होगा कि मेरी सच्चाई आप तक पहुंच गई है। FIR हुआ नहीं, सिर्फ मुझे धमकी दे रहे थे कि आपके नाम FIR होगा, यहाँ 22 प्रधान इकट्ठे हुए हैं थाने में और आपके नाम FIR हो रहा है। तो हम लोग बोले हम लोग गीत नहीं गाए हैं, जो गाया है उनको पकड़िए, राइटर को पकड़िए। तो बोले नहीं आपके ऊपर होगा, ऐसे जबरदस्ती आपके ऊपर होगा जी। तो फिर आप लोग नहीं बोले कि ठीक है करिए देखते हैं, मतलब हाँ तो कैसे हम ये लोग चीजें कुछ नहीं बोले, नॉर्म। फोन हम लोग कुछ नहीं बोले, वो फोन काट दिए। तो फिर हम तुरंत वीडियो बना के उन दो नंबर से फोन किए थे, दोनों वायरल कर दिए। और जब मैं अपने चैनल पे डाल दी तो लोग फोन करना चालू कर दिए, तो वो फोन से परेशान हो गए, तरह तरह के सवाल लोग पूछने लगे, नंबर बंद कर दिए महिलाएं कमजोर नहीं है, बस आप अगर समझते हो तो ये आपकी मूर्खता है। जी। महिलाएं अगर कोई बात बोल रही हैं तो बहुत समझदारी से और बहुत प्रमुखता से अपनी बात बोलती हैं। आप इस गाने को ध्यान से अगर सुनते हैं तो आप देखिए इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, और प्रधानी हो, विधायकी हो या सांसदी हो, हर हर जगह कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। आप अगर अपना चश्मा उतार कर ठीक से देखें तो, हमने भी बहुत सारे गांव में बहुत सारी तस्वीरें ऐसे दिखाई कि शौचालय आधे बने हुए हैं, जो 60,000 रुपए, जो 12,000 रुपए, जो 16,000 रुपए मिलना चाहिए उसका आधा ही मिलता है, कभी 1,20,000 जो आवास के लिए आता है वो पहुंचते पहुंचते 50,000 ही पहुंचता है, तो उसमें मकान कैसे बनेंगे, ये हमने भी सवाल किया था। तो इसमें मिर्च लगने वाली कौन सी बात है? अगर आपको चीजें बुरी लगती हैं तो आप जमीन पर सुधार दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि समाज में हर चीजें सही है तो किसी को सनक है कि वो आपकी बुराई बात कर। अब अच्छा, ये प्रधानी वाली जब गीत आया उसके बाद आपका और भी सोशल मीडिया पर गीत वायरल हुआ प्रधानी को लेके, तो मतलब आप डरी नहीं, आप और गीत गाने लगे। जी। मैं तो बोली थी, मैं बोली कि अगर ये भी, पहली बात तो मैं विवादों में फंसना नहीं चाहती थी। मैं सोची थी कि एक मेरा अलग लाइफ हो और हम सबसे अलग पहचान बनाए और सबसे अलग रहे। मुझे ये चीज पसंद नहीं है, कोई कुछ बोले गाली दे, ये सब चीज मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये प्रधान वाला गीत मैं पहले ही गाई थी, 4 महीने पहले गाई थी, तो इस पे कोई सवाल नहीं उठाया। जब मैं एक मीडिया वाले से ये गीत मतलब गा देती हूँ, उसके बाद ये लोग सवाल खड़ा करते हैं, धमकियां देना चालू कर देते हैं। पहले तो चिट्ठी पूरा लिस्ट बना था हमारे नाम पे, क्या था उसको उसमें, फेसबुक पे वायरल किया गया था क्या था कि उसमें? सभी प्रधान अपने अपने गांव से, अपने अपने जिले से FIR इनके ऊपर करवाइए, इनको जेल में भेजवाइए, ये गलत गाना गा रही हैं, इनको हाँ इनको जल्द से जल्द इनको बंद करा, मतलब उठवा लिया जाए, मतलब बंद करवा दिया जाए, ऐसा तो आप उसमें डरी लिखा था। नहीं, आप डरी नहीं, नहीं नहीं परिवार मैं वाल नहीं आप डरी। पर घर परिवार वाली एक सामान्य महिला है जिनके सिर से पल्लू तक नहीं गिरता, एकदम घरेलू महिला, तो FIR जैसी चीज जब दिमाग में, मतलब कानों में सुनाई देती है तो दिमाग में एक डर तो बैठ जाता है कि कहीं ऐसा कुछ अप्रिय ना हो जाए कि परिवार वाले परेशान हो। बिल्कुल, एक बार तो ऐसा लगा कि ऐसा तो हम कुछ गलती किए नहीं है, पता नहीं क्या हो क्या ना हो, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब मैं वीडियो डाल दी सोशल मीडिया पे और लोग फोन किए और वो बोले कि मेरा नंबर हटवा दीजिए प्लीज, हम FIR नहीं किए हैं, हमसे फोन करवाया गया था, तब मैं बिल्कुल नहीं डरी। और पहली बात तो, और हम भी सबसे पूछे और बाकी हमारे भी सपोर्ट में बहुत लोग हैं जो कि बताए कि आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, और ये सब गाना तो आम बात है, लोग गाली दे दे के गीत गाते हैं दूसरे के नाम पे, आपने तो ऐसा कुछ भी गाया नहीं है, उनकी उनकी हिम्मत नहीं है आपको कुछ कहने का और लेके जाने की। तो अंदर से हौसला मतलब बुलंद हुआ और हम फिर बोले कि
हम फिर प्रधानी पे गीत लेके आएंगे बहुत जल्द, और लेके आई हूँ और गीत डाली भी हूँ अपने चैनल पे। वो गीत कौन सा है? वो भी गीत बहुत अच्छा है। बोर दिए अपन नाम है भैया, बोर दिए अपन नाम, बोर दिए अपन नाम है भैया, बोर दिए अपन नाम, की हक गरीब वन के खाए भैया गहुआ के प्रधान, की हक गरीब वन के खाए भैया गहुआ के प्रधान, वोट मांगत की बहाई हम देवई घर घर में कालोनी, वोट मांगत की कहाई हम देवई घर घर में कालोनी, जीते के बाद कहाई ये तो भैया तोहका नाही चीनी, जीते के बाद कहाई ये तो भैया तोहका नाही चीनी, घूस की घूस मांगई ले सो पहले भैया गहुआ के प्रधान, की घूस मांगई ये तो पहले भैया गहुआ के प्रधान, की हक गरीब वन के खाए भैया गहुआ के प्रधान, योगी बाबा जी हले पैसा घर घर में शौचालय, योगी बाबा दिहले पैसा घर घर में शौचालय, 12,000 में 2,000 पहले खैले बारे, 12,000 में 2,000 पहले खैले बारे, की खाई माई बाप के किरिया भैया गहुआ के प्रधान, की खाई माई बाप के किरिया भैया गहुआ के प्रधान। बहुत बढ़िया। और पता है ये जो गीत है ना, इस गीत से आप ये सीख सकते हैं कि जब आपको अपनी आवाज बुलंद करनी हो तो आप जरूर करें, ये सोच कर ना करें कि अगर मैं कभी फंस जाऊंगा या कहीं अगर मेरे पर कोई FIR की धमकी देने लगेगा तो मेरा क्या होगा। आप भाभी के केस में देख सकते हैं, एक दो सिंपल सी महिलाएं जिनको खुद नहीं पता था कि YouTube पर अर्निंग आती है या नहीं आती है, YouTube पर गाने से होगा क्या, लेकिन तब जब इन्होंने ये सफर शुरू किया और आज जहां पर ये खड़ी है, जब इन पर FIR जैसी चीज की बात बस सुना लोगों ने ना, तो एक एकजुटता नजर आई महिलाओं में। और अगर पुरुषों को छोड़ भी दिया जाए तो महिलाएं कह रही थी कि अगर आप जेल में ही डालना चाहते हैं तो डालिए, हम सब महिलाएं एक साथ जाने को तैयार हैं। देखते हैं कि आपके जेलों में कितनी जगह है। तो ये महिलाओं की एकता इस मामले में नजर आई और महिला की यूनिटी और महिला की ताकत नजर आ रही थी। तमाम महिलाएं जो गीत की दुनिया में कुछ बेहतर कर रही हैं, लोकगीत की दुनिया में बेहतर कुछ कर रही हैं, वो सभी महिलाएं आपके साथ थी। उनके लिए कुछ नहीं गाई जो आपके सपोर्ट में थी, उनके सपोर्ट पे भी कुछ गाना चाहिए था। वो लोग खुद जितने लोग थी वो लोग भी गाना प्रधान के ऊपर बनाई थी, सब लोग और इस बहुत मैटर के तरह बाद सब लोग प्रधान जी पे गीत लिखने लगे, खतरनाक जी, बहुत खतरनाक गीत वो लोग लिखी हैं जिनको गीत। याद नहीं है। एक सिस्टर बहुत खतरनाक गाई थी, वो जो कैसा गाई थी, गाँव में बड़ी परेशानी जैसे हमारे यौन कर नानी, जब से आई प्रधानी, ऐसा गीत गाई थी। एक कड़ी मैं सुनाऊंगी, वो सिस्टर जो गीत गाई थी वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगा था जी कि सुनाइए। गांव में बढ़ल परेशानी जब से आइल प्रधानी, गांव में बढ़ल परेशानी जब से आइल प्रधानी, जैसे मारायोन करनानी जब से आइल प्रधानी, ओनहु के लूटन महारानी जब से आइल प्रधानी, गांव में बढ़ल परेशानी जब से आइल प्रधानी। बहुत अच्छा गीत, उनके मुंह से और अच्छा गीत लग रहा था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, जब प्रधान जी आप लोगों के खिलाफ बोलने लगे तो आप विधायक जी के सपोर्ट में गाने लगे, ऐसा भी लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि जी आपने, जब प्रधान जी आप पर सवाल खड़ा करने लगे तो आप सपोर्ट के लिए विधायक जी के सपोर्ट में गाना गा रही है। बिल्कुल, विधायक जी वैसा काम किए थे, जो जैसा काम करेगा वैसे हम गीत गाएंगे, और हम भी जो भाई ये लिख रहे हैं वो आके बदलापुर विधानसभा में आके चेक कर सकते हैं, विधायक जी क्या किए हैं, क्या सच है क्या गलत है मैं ये वो। बोली हूँ
आके चेक कर सकते हैं, आप उनका रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपको भी बोल रही हूँ, अब जब बाकी जिनको भी नहीं मतलब समझ में आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे मतलब हमें सम्मानित, कुछ लोग बोले कि सम्मानित किए हैं उसके लिए, सम्मान ऐसा मिला है कुछ इसलिए उनका नहीं सपोर्ट कर रही हैं। है। थोड़ा सर्टिफिकेट, थोड़ा इनको सम्मान मिल गया तो उनके सपोर्ट में गाने लगी। जी, एक प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य किए हैं और मेरा गीत बन रहा है, उनके भी ऊपर गीत आएगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब सिर्फ प्रधान जी को जो गिरा ही रहे, जो जैसा कार्य किया है उसके लिए वैसे गीत है। वो भारत के किसी भी कोने में अगर कोई नेता बेहतर किया हो, नेता ही नहीं कोई भी इंसान अगर समाज की भलाई के लिए कुछ बेहतर कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। नेता लोगों को अगर सामाजिक कार्य आप ना भी करें तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा लें। जो सरकारी योजना आती है वो अगर आप ठीक से कर लें तो प्रशंसा करने में हमें कोई गुरेज नहीं, हम सभी आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन पहले वैसा काम तो करिए। तो भाभी, भारत के किसी भी कोने में अगर कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी ठीक से निभाएगा, और अगर आपको लगेगा तो कोई दबाव नहीं है, अगर आपको लगेगा कि वो अच्छा कर रहा है तो आप उसकी प्रशंसा जरूर करेंगी, क्योंकि आप, मैं देखती हूँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तमाम महिलाएं जो बेहतर कर रही हैं संगीत की दुनिया में, वो आपसे अगर सपोर्ट मांगती हैं तो आप पीछे नहीं हटती हैं। तो अगर कोई बेहतर बिल्कुल करेगा तो आप उसके लिए गाएंगी। बिल्कुल गाएंगे, और जो गलत कर रहा है उसके लिए भी, जैसे कि हमने एक आज गीत मैं गाई हूँ, ऐसा नहीं है हम किसी पार्टी से हैं और कोई मुझे सपोर्ट करे, ऐसा मैं भी उस गीत के माध्यम से सरकार को ही सूचना दी हूँ, मैं किसी दूसरे को सूचना नहीं दी हूँ। क्या गाई है वो? वो गीत जब जो मैं आपको अभी सुनाई हूं कि कहां सोए हो चौकीदार, कहां सोए हो चौकीदार, आजमगढ़ की बेटी मांगे, आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय, कहां सोए हो चौकीदार, कहां सोए हो चौकीदार। तो मैंने सरकार को ही सीधा सवाल सवाल किया, उठाया है। सरकार से ही सवाल किया आपने, तो बहुत अच्छा जी लगा भाभी आप जुड़ी, अपना कीमती समय आपने मुझे दिया। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप भाभी को नई बार, पहली बार मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो इनके चैनल पर जरूर जाइए, इनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि गंदगी में कोई एक शख्स निकला है झाड़ू से बाहर ने, तो जिन लोगों को लोकगीत को छोड़कर अगर भोजपुरी में अश्लीलता है, अवधी में अश्लीलता है, आप कहते हैं कि गंदगी मची हुई है सोशल मीडिया पर, और इसीलिए हम सोशल मीडिया नहीं देखना चाहते हैं। तो इन दो खूबसूरत भाभियों को देखिए, ये वो अंधेरे की दीपक है ना, जो लोकगीतों को और ज्यादा पॉपुलर कर रही हैं लोगों के बीच में, ये बता रही हैं कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारा कल्चर है, इसको आप सपोर्ट करिए, इस पर आप प्यार दुलार दिखाइए। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि समाज बदलेगा और जरूर बदलेगा, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। हम सभी आपके सपोर्ट के लिए ही सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। आप सभी हमारा सपोर्ट करें, हमारा करें, भाभी का करें, और जो समाज में बेहतर कर रहे हैं उन सभी लोगों का सपोर्ट करें। बहुत धन्यवाद भाभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।